अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त दोपहर का टाइम है और मैं उठा हूँ और अभी जो है ना एक व्लॉग का मूड है, तो जाएंगे कहीं पे व्लॉग बनाएंगे। एक हिस्टोरिकल प्लेस है और रेडी हुआ हूँ, अभी नमाज पढ़ता हूँ और नमाज के बाद फिर निकलेंगे और व्लॉग बनाएंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आज आपको एक तारीखी पुल वो दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ और ये तारीखी पुल आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये खूबसूरत व्यू। इस पुल से मैं आपको दरिया का ये खूबसूरत व्यू भी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, लोग पैदल जा रहे हैं इस पे क्योंकि अभी इस पे रेल नहीं जाती। ये आप देख सकते हैं स्टील से बनी हुई ये खूबसूरत हिस्टोरिकल पुल, ये आप नौशेरा में देख सकते हैं। ये दरिया काबल के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पे आगे हॉस्पिटल बना हुआ है, नौशेरा मेडिकल कॉलेज। ये असर का टाइम है और ये खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं। आगे जाके मैं कुछ और व्यू भी आपको दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, ये पुल आपने देख लिया और अभी भी ये बहुत बड़ा पुल है सरिये का। अभी आगे भी रास्ता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस वक्त वॉक करता हूँ, तो वॉक भी हुआ और साथ में व्लॉग भी बन गया। पुल पर आप इस रश को देख सकते हैं, क्योंकि ये तारीखी पुल है इसलिए ज़्यादातर लोग सैर तफरीह के लिए यहाँ आते हैं और इस पुल का दीदार करते हैं। इस पुल को देखने के लिए लोग दूर से आते हैं। नीचे भी आप देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं ये जिना पार्क है और ये स्विगेस का लाइन बिछा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से इस पुल का अख्तिताम हो गया, दरिया ख़त्म हुआ है, लेकिन रेल की पटली अभी भी ये आप देख सकते हैं वो मौजूद है। और अभी मैं घर जाऊँगा, इसमें वीडियो में थोड़ी एडिटिंग वगैरह करूँगा और फिर आपके साथ ऑनलाइन होऊँगा। नीचे उतर गए हैं और ये खूबसूरत इलाका भी आप देख सकते हैं। अब हम इस रास्ते पर जाएँगे। तो ये अब हम अपने मोहल्ले पहुंच गए हैं और यहाँ से भी एक क्लिप आपको दिखा दिया।
तो जी नाजरीन, ये थी मेरी आज की व्लॉग जिसमें मैंने आपको एक खूबसूरत हिस्टोरिकल ब्रिज और फिर दरिया की सैर करवाई, अपने मोहल्ले की सैर भी करवाई और भी बहुत से खूबसूरत मकामात आपको दिखा दिए। इस दौरान मैं बाज़ार भी गया लेकिन रश था बहुत ज़्यादा, तो दोस्त मिल गए तो इस वजह से वहाँ का वो क्लिप ना बना सका। और यही बस एक वीडियो थी। मैं पुरुमीद हूँ कि मेरी आज की यह व्लॉग आप लोगों को पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी दूसरी जगह को एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। कीप वॉचिंग मंसूर व्लॉग। मुझे नासर शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।